सर, मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आना चाहता हूँ। ये तो आपका बहुत टाइम से तैयार था, चुनाव से एन पहले लेके आ गए, ये तो कभी भी आप पहले भी ले आते, क्या ये चुनाव से ऐसे पहले लाएं कि थोड़ा सा एक हिंदू मुस्लिम या मेजॉरिटी माइनॉरिटी टाइप का हो जाए, वो अनसेटल हो जाए, आपका वोट पोलराइज हो जाए, पहले ले आते आप इसको? ऐसा है राहुल जी, आप मुझे लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ढंग से स्टडी ही नहीं करते हो। 2019 में कानून पारित हो गया है, बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा, अब कहां सस्पेंस बचा है। 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ रूल्स बनाए हैं। हमारी विल हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया, राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ, कहां कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ही नहीं था, टाइमिंग का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सवाल इतना है कि इस पर मर डालने के लिए टाइमिंग का क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सबको मालूम था कि आने वाला है, और मैंने कभी नहीं कहा कि इस मामले पर हम पीछे हटेंगे, मैंने हर बार कहा ये पत्थर पर लकीर है और ये होकर रहेगा। सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड, राहुल, सीख आ सकते, ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का है, स्पष्ट करो। दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूँ, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको, किसी में सोच नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्यों इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। एक कटु वास्तविकता है, होना नहीं चाहिए था, हमारी पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं, अगर होती निर्णायक स्थिति में तो हम कभी इस देश का बंटवारा नहीं करते, इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, और जब बंटवारा की घोषणा की गई, हजारों हजारों दोनों ओर से लोग वहां से यहां, यहां से वहां गए, ट्रेन की ट्रेनें कटी हुई आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। उस वक्त हमारे सारे नेता देश के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब ने कहा कि भाई जहां है वहां रह जाइए, अगर आपको बाद में भारत में आना है तो आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे। वो कहने का उद्देश्य था कि उस वक्त आपाधापी में आने से लोगों की जान न चली जाए, थोड़ा स्थिरता आने के बाद आई है। स्थिरता आने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%, आज 2.7% है। कहां गए भाई? धन परिवर्तन 23 से 2.7, कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया, बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिक बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया, वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे, कहां गए? या तो भारत की शरण में आए, या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है, कहां गए? और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं, और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता ना दे, क्यों ना दे? इनका अधिकार है, उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है उतना ही अधिकार इस शरणार्थियों का है, और वो देना चाहिए। सर, जब पिछली बार आपका इंटरव्यू हुआ था एजेंडा आज तक और कॉन्क्लेव के मंच पे, आपने कहा था कि जो हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में, कहाँ जाएं, यही देश है, यहीं पे आएंगे।
लेकिन क्रिश्चियंस के भी तो अपने देश हैं, थियोक्रेटिक देश हैं, वो तो वहां भी जा सकते हैं, उनको तो हमने नहीं रोका है, वहां चले जाए, भौगोलिक सीमा हमारे साथ सटी है, इसलिए हम यहां बुला रहे हैं। एक और आप कहते हो एक धर्म क्यों छूट गया, अब पूछते हो कि एक धर्म क्यों जोड़ा, आपको छूटने से तकलीफ है या जोड़ने से तकलीफ है? मेरे को प्रिंसिपल का सवाल है कि सेम प्रिंसिपल का सवाल नहीं है। ये तीनों राष्ट्र जहां से शरणार्थियों को हमने स्वागत किया है, ये तीनों राष्ट्र घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? नहीं, पर सेक्टेरियन तो हो सकता है क्या? सेक्टेरियन जैसे अहमदी, शिया, सुन्नी, उस तरह वो भी मुस्लिम है वहां की व्याख्या में? नहीं, पर जैसे पाकिस्तान, ये तो होने को तो हर जगह भूख है दुनिया में, सबको नहीं ला सकते, परंतु ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। बाकी सारे धर्म जो वहां विद्यमान थे, सारों को शरण देने का हमने फैसला किया है और उसमें कोई अनुचित नहीं है। 1950 से भारत का जो वादा था, वो वादे को कांग्रेस ने नहीं पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये एपीसमेंट की वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम लोग इंडिया मानते, अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। नहीं, कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। लेकिन अगर कोई बलोच हो बलोच पे, या फिर रोहिंग्या, अगर जो फर्ज कीजिए काफी सारा वहां पे लोकल गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। राहुल जी, ऐसा है, इतने बड़े ब्रॉड फैसले एक दो को देखकर नहीं लिए जा सकते हैं। पॉलिसी जब बनती है तब मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा, कोई हमें अप्रोच करेगा, तो सोचेंगे उस पर। इसके कारण इतने सारे शरणार्थी जो करोड़ों लोग आए, इनकी जिंदगी को काहे को बर्बाद कर रहे हो भाई, बलोच बलोच कर। वो अपना वोट नहीं दे सकते, वो अपना घर नहीं खरीद सकते, उनको नौकरी नहीं मिलती। घर खरीदना है तो बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से आए, अपने कोई रिलेटिव के नाम पर खरीदते हैं, वो रिलेटिव मर जाता है, बच्चे क्लेम कर देते हैं, फिर झगड़े होते। इनकी प्रताड़ना कभी देखी आपने? ये नेताओं के इंटरव्यू करने की जगह जो अफगानिस्तान से सिख हमारे सिरसा लेकर आया था, और बाकी सारे जो शरणार्थी हैं, इनका इंटरव्यू करो तो मालूम पड़ेगा इनका दर्द क्या। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीसी की, वो तो कह रहे हैं कि जेब कतरे, चोरी, ये वो सब बढ़ जाएगा अगर आप सीए लेके आए। ऐसा है, आप केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं, इसके लिए कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहाँ गए, वो तो ऑलरेडी यहाँ है, और ये शरणार्थियों को जेब कतरे रैपिस्ट, ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूँ कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े निटल दे। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहाँ पर घुस कर आता है, गैरकानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है, देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रख कर आए थे, मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है, मेरे घर पर आकर मुझे मिले थे। किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना, परंतु मजबूर हो जाते हैं। जब इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे, इतनी संवेदना नहीं रखेंगे, तो मैं नहीं, हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है,
और इसमें कोई बदलाव नहीं।